नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव राठी और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के नंबर वन प्रोपोगेंडा चैनल रिपब्लिक टीवी के बारे में। रिपब्लिक टीवी इंडिया का सबसे ज्यादा बायस्ड, सबसे ज्यादा बिकाऊ, सबसे कम न्यूज दिखाने वाला नॉइस चैनल है। ऐसा क्यों है मैं इस वीडियो में प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। शुरुआत करते हैं रिपब्लिक टीवी के रिलीज होने से कुछ हफ्ते पहले से, जब अर्नब गोस्वामी ने रेडिट पे एक एएमए किया, यानी आस्क मी एनीथिंग। जिन लोगों को नहीं पता, रेडिट एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसपे लोग एनोनिमसली कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो एक रेडिट यूजर का सवाल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यू हैव बीन प्रमोटिंग रिपब्लिक टीवी एज एन अनबायस्ड मीडिया आउटलेट विद नो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, बट विद राजीव चंद्रशेखर अ स्ट्रॉन्ग बीजेपी सपोर्टर एंड राज्यसभा एमपी रनिंग द शो एंड अनुपम खेर अनदर वोकल बीजेपी सपोर्टर हुज वाइफ इज अ बीजेपी एमपी बीन एसोसिएटेड विद द चैनल, हाउ कैन यू से देयर वोंट बी एनी बायस। ये चीज पब्लिक डोमेन में पहले से लीक हो चुकी थी। द वायर नाम के मीडिया आउटलेट ने इसे एक्सपोज किया था कि राजीव चंद्रशेखर एक बीजेपी एमपी है, वो रिपब्लिक टीवी को फंड कर रहे हैं। तो यही एक रेडिट यूजर ने पूछा, अगर आप बीजेपी एमपी से फंडिंग लोगे तो कैसे कह सकते हो कि आपका जो न्यूज चैनल है वो अनबायस्ड होगा। तो इसका जवाब सुनिए अर्नब गोस्वामी ने क्या दिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल माई पार्टनर्स, ईच ऑफ देम बिलीव इन माई जर्नलिज्म। आई एम प्राउड ऑफ द इन्वेस्टमेंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम एशियानेट न्यूज, इट इज द ओल्डेस्ट प्राइवेट न्यूज चैनल। राजीव इज अ नेशनलिस्ट एंड वी शेयर अ ग्रेट रिपोर्ट। तो जैसे हर कोई भक्त करता है, जब भी कोई एक्यूजेशन किया जाए, कुछ प्रूफ दिखाया जाए, तो सबसे पहली चीज आती है नेशनलिस्ट बना दो। टिपिकल एस्केपिज्म का रूट अर्नब गोस्वामी ने यहां पे लिया। जब उनको एक्यूज किया गया कि वो बीजेपी फंडेड हैं, जो कि वो हैं, उन्होंने इस बात को आंसर करने की जगह बोल दिया भाई राजीव इज अ नेशनलिस्ट, जो कि बीजेपी वाले हर जगह बोलते रहते हैं। कोई मर्डरर हो, कोई रेपिस्ट हो, अगर बीजेपी में होगा कोई तो नेशनलिस्ट जब ही बन जाता है वो। क्योंकि द वायर ने एक्सपोज किया था इस चीज को, तो अर्नब गोस्वामी की द वायर के बारे में राय सुनिए। अबाउट द वायर, लेस सेड द बेटर, दे आर यूजिंग माय नेम टू ट्राई एंड गेट सम फॉलोअर्स ऑन देयर क्रम्बलिंग न्यूज साइट। फिर से जो चीज पूछी गई उसका कोई जवाब नहीं दिया, एक उल्टा एक्यूजेशन और कर दिया और गालियां देनी शुरू कर दी। तो ये चीज प्रूफ बहुत आसानी से हो गई कि पहले ही बीजेपी फंड कर रही है रिपब्लिक टीवी को। एक और रेडिट यूजर ने काफी बड़ा क्वेश्चन पूछा, उसका एक पार्ट पढ़ के मैं सुनाता हूं। वुड यू एवर डिस्कस एनीथिंग ऑफ रियल इंपॉर्टेंस इन योर शो, लाइक लैक ऑफ जॉब्स, फेलियर ऑफ डीमोनेटाइजेशन, फाइनेंस बिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतने बड़े सवाल को सुनके अर्नब गोस्वामी की बोलती बिल्कुल बंद, उन्होंने बस जवाब में लिखा ब्रीद, प्लीज ब्रीद, सी यू सून। तो अगर आपने थोड़ा सा भी रिपब्लिक टीवी को देखा होगा तो आपको पता लग गया होगा जो इस एएमए ने प्रिडिक्ट किया था वो चीज कितनी सच हो चुकी है। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है मैं उनके लिए बता दूं, रिपब्लिक टीवी पे आपको कभी भी काम के इश्यूज पे डिस्कशन नहीं मिलेगी, बात करने को नहीं मिलेगा। जैसे कि फेलियर ऑफ डीमोनिटाइजेशन, जॉब ग्रोथ कैसे कम हुई जा रही है, फाइनेंस बिल के द्वारा करप्शन को कैसे लीगलाइज कर दिया गया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे गिरे जा रही है, कैसे गंगा क्लीनिंग पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, कैसे स्वच्छ भारत पे कोई काम नहीं हुआ है, कैसे नक्सली अटैक्स बढ़े जा रहे हैं, कश्मीर में अटैक्स बढ़े जा रहे हैं हमारे जवानों पे, इन चीजों पे अर्नब गोस्वामी का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन आपको जो सुनने को मिलेगा वो ये है कि पाकिस्तान कैसे बुरा काम कर रहा है, पाकिस्तान को गालियां दी जाएंगी 24 घंटे, एंटी नेशनल्स को गालियां दी जाएंगी 24 घंटे, जेएनयू जैसे फालतू इश्यूज को उठाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम एंटी नेशनल नेशनलिस्ट ऐसी चीजों पर बात की जाएगी जो कि फालतू के डिस्ट्रैक्टिंग इश्यूज है, और ये सब एक एंटरटेनमेंट के तौर पे आपको प्रेजेंट किया जाएगा। और एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने सारे जर्नलिज्म के जो भी एथिक्स होते हैं उनको लिया और डस्टबिन में फेंक दिया। ये क्या करते हैं, जैसे एक शशि थरूर का केस हुआ था, शशि थरूर पे इन्होंने एक दो दिन तक स्टोरी चलाते रहे थे, कोई न्यूज थी नहीं, जो पुरानी न्यूज थी उसको लाके फिर से चलाने लग गए थे। तो न्यूज बनाने के लिए ये शशि थरूर के घर के आसपास जाके घेरा डाल के 24 घंटे खड़े रहे। अर्नब गोस्वामी ने खुद एडमिट किया और बोस्ट करके प्राउडली बता रहे थे कि हमारे रिपोर्टर शशि थरूर को चारों तरफ से घेर चुके हैं, उनके घर के आसपास खड़े हो चुके हैं। तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं छोड़ी शशि थरूर के लिए, और जब वो बाहर निकल के आए तो ऐसे उनका पीछा कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या। आप खुद ही देखिए, ये वीडियो क्लिप देखिए।
माइक बिल्कुल इनके मुंह पे मार रहे हैं चलते चलते, जब वो मना कर रहे हैं कि उन्हें इंटरव्यू नहीं देना, फिर भी उनके सामने आके खड़े होके ऐसे माइक सर पे लगा रहे हैं कि नहीं कुछ तो बोलो, कोई तो रिएक्शन दो ताकि हम न्यूज बना पाए, क्योंकि न्यूज तो है नहीं हमारे पास दिखाने के लिए। और जब वो नॉर्मली बात करते हैं, सबको प्रेस टॉक दे रहे हैं सारे न्यूज चैनल्स को, तब रिपब्लिक टीवी वाले पता नहीं क्या अपने आप को स्पेशल समझते हैं। बाकी सब न्यूज चैनल ने तो एक माइक लगा रखा है, रिपब्लिक टीवी वाले दो तीन माइक लगा के खड़े हैं, क्या दो तीन माइक से ज्यादा सुनाई दे जाएगा? तो ये इनके रिपोर्टर्स के एथिक्स हैं। और इनके स्टूडियो में किस तरह से बात करते हैं वो तो आपने टाइम्स नाउ से देखा होगा, चीखते चिल्लाते रहेंगे, इमोशंस के बेसिस पे हर चीज से बात करेंगे, कोई फैक्ट्स के बारे में बात नहीं होगी, कभी किसी डेटा के बारे में बात नहीं होगी, कोई स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात नहीं होगी, सिर्फ इमोशंस, शाउटिंग और लोगों को गालियां देना। बहुत सारे क्लिप्स हैं इसके, आप किसी भी क्लिप को खोल के देख लो रिपब्लिक टीवी, वो कोई ना कोई चिल्ला रहा होगा, किसी को गालियां दे रहा होगा। अब क्योंकि रिपब्लिक टीवी एक बीजेपी फंडेड न्यूज चैनल है, तो जाहिर सी बात है यह ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करेगा ही, लेकिन जितने गंदे तरीके से, जितने एग्जैजरेटेड तरीके से ये टारगेट करते हैं, उतना कोई और न्यूज चैनल नहीं करता है। पहले दिन जैसे रिपब्लिक टीवी शुरू हुआ, उस दिन इन्होंने कोई लालू यादव की कोई पुरानी क्लिप उठाकर टीवी चैनल पर चला दी और पूरे दिन उसी पे लगे रहे, उसी के बारे में हैशटैग्स चलते रहे। दूसरे दिन इन्होंने शशि थरूर को पकड़ लिया, उनकी कोई पुरानी स्टोरी उठा के उसके पीछे पड़ गए। तीसरे दिन इन्होंने केजरीवाल को पकड़ लिया। हर दो तीन दिन बाद ये किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन को पकड़ लेते हैं और पीछे ही पड़ जाते हैं उनके, या तो कोई उनकी पुरानी चीज के उठा के बात शुरू कर देते हैं, या फिर कोई छोटी सी चीज हुई होगी उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी जैसे हाल ही में मध्य प्रदेश में फार्मर्स को गोलियां मार दी गई, बीजेपी रूल स्टेट है तो ऑब्वियस सी बात थी रिपब्लिक टीवी इस पर रिपोर्ट तो कर नहीं सकता था। तो इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी उन फार्मर्स से मिलने जा रहे थे, तो पूरे दिन इन्होंने स्टोरी चलाई कि राहुल गांधी हैशटैग राहुल गांधी फोटो ऑप, राहुल गांधी मिलने जा रहे, राहुल गांधी के पीछे पड़ गए, फार्मर्स मारे गए, उसके बारे में कोई चीज नहीं सुनाई, बाकी सारे न्यूज चैनल फार्मर्स की बात कर रहे थे, जबकि बहुत ही सीरियस इशू था ये, बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया। लेकिन दो तीन दिन बाद ये इशू और बड़ा होता गया, तब ये मजबूर हो गए, इन्हें फार्मर्स के बारे में बात करनी पड़ी, पर इन्होंने हैशटैग लगा दिया फार्मर्स फेसेस बुलेट्स, बीजेपी को हटा दिया इक्वेशन से। लेकिन जब ये किसी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में होता है तो सबसे पहले ऑपोजिशन पार्टी का नाम सामने आता है। ऑल्ट न्यूज ने इस पर बहुत अच्छी रिसर्च करी थी, उन्होंने क्या किया, जितने भी हैशटैग्स रिपब्लिक टीवी ने यूज किए हैं एक महीने के अंदर अंदर, उन सबको कलेक्ट किया और एनालाइज किया। और ये देखिए, कांग्रेस को टारगेट करते हुए इतने सारे हैशटैग्स, कांग्रेस पाक लॉयर, कांग्रेस फॉर हुरायत, वाद्रा रिपोर्ट आउट, आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हुए इतने सारे हैशटैग्स, और ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करते हुए इतने सारे हैशटैग्स, आप इंसल्ट्स महात्मा, लेफ्ट इंसल्ट्स आर्मी, अखिलेश इंसल्ट्स मार्टियर्स। और बीजेपी की जब बात आई तो हैशटैग्स हैं 3 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, मन की बात, रिपब्लिक स्टिंग्स फ्रिंज। बीजेपी में जब कुछ बुरा होता है तो उसको फ्रिंज कहके दिखा दिया जाता है, योगी को भी एक टाइम फ्रिंज एलिमेंट कहके बुलाया करते थे ये लोग। और नेशनलिज्म के बारे में बात करते हो तो और भी ढेर सारे हैशटैग्स थे, पाकिस्तान को गालियां देते हुए और भी हैशटैग्स थे, ये भी देख सकते हैं आप। जाहिर सी बात है, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंडरल, ये बोला जाता है। नेशनलिज्म का इशू तभी उठाया जाता है जब कुछ और बोलने को बचता नहीं है, कुछ और डिफेंड करने को बचता नहीं है इन लोगों के पास। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से वो समझाया था, आप जाके देख सकते हैं। और ऑब्वियसली इंटरव्यूज में भी अर्णब गोस्वामी जब किसी बीजेपी लीडर के साथ इंटरव्यू करते हैं तो उनका जो जितना चिल्लाना चीखना है वो सब चुप हो जाता है, और पता नहीं उनका एक नया ही फेस सामने आता है। जैसे ये योगी के साथ एक इंटरव्यू था, उसमें कितनी शांति से बात कर रहे हैं, कितने क्यूटली बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो बिल्कुल है, और आपने डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम किया है, और द गवर्नमेंट इज ऑल्सो हेल्प टू, ये फोकस तो है। मैं घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा आपको, डायरेक्टली पूछूंगा। आप डायरेक्ट पूछे, मैं तो डायरेक्टली पूछूंगा, अब घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा। आपने पिछले 2-3-4 सालों से, अगर आपके आपके जितने राजनीतिक स्टेटमेंट से आपके पॉलिटिकल करियर को, क्या मैं आपको, कैन आई कंटिन्यू विथ माय लाइन ऑफ क्वेश्चन? बिल्कुल। अगला सवाल मेरा यह है, मुख्यमंत्री जी उठा रहा, आपके आपने जो दिशा दी, आपने जो निर्णय लिया, उसके बारे में नहीं पूछ रहा मैं, मगर मैंने जो सवाल आपको पूछा उससे आप थोड़ा सा
नहीं, आप कितने क्यूटली देखिए योगी आदित्यनाथ की जो अचीवमेंट्स हैं उनको खुद ही बोल दिया उन्होंने, विल नॉट क्वेश्चन योर वर्किंग स्टाइल, द अमाउंट यू वर्क, आपकी कमिटमेंट जो फार्मर्स इशू में है, जो आपने इतने बड़े लोन वेवर्स दिए हैं इस समय जितना फार्मर्स डिस्ट्रेस हुई है, 24/7 चीफ मिनिस्टर कहा जा रहा है आपको, इस वक्त दैट यू आर 24/7 चीफ मिनिस्टर, आपने गवर्नमेंट हॉलीडेज कट डाउन कर दिए, लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है सरकार में आजकल योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम करते हुए, एक नो टॉलरेंस अप्रोच है करप्शन के लिए, एंटी लैंड माफिया पे आपने काम किया है। और ये देखिए किसी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर के साथ उनका इंटरव्यू, इतना चीखेंगे इतना चिल्लाएंगे बिल्कुल बोलने का ही मौका नहीं देंगे दूसरे आदमी को। It's not that my acceptance. No, it is not for you. It doesn't matter if the people don't accept. Just it. Listen to me. Wait, one second. See, I'm coming to that. Please allow me to complete my sentences. For 1 minute. How many let me complete. How many people. Let me complete my sentence. How many people watching this interview right now will say. So, agenda bahut clear hai Republic TV ka. Main fir se summarize kar deta hun. Number 1. Opposition ko jitna defame ho sakta hai, utna defame karo. Number 2. बीजेपी को नेशनलिज्म से इक्वेट करो, ऐसा दिखाओ कि जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोलेगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा, टिपिकल भक्त जो करता है। नंबर 3, जब भी रियल इश्यूज के बारे में बात कर ली जाए उनको छुपाने के लिए, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए ये फालतू के इश्यूज उठाओ, डिस्ट्रैक्ट करो व्यूअर्स को, मैन्युपुलेट करो व्यूअर्स को। नंबर 4, जितना न्यूज को हो सके एंटरटेनमेंट के तौर पे दिखाओ टीआरपी गेन करने के लिए, जितने इमोशंस डालोगे उतना बेहतर होगा, एंगर सैडनेस जैसे इमोशंस और भी बेहतर है। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे, स्पेशली भक्त लोग कहेंगे, नहीं नहीं भैया एनडीटीवी भी ऐसा ही करता है, एनडीटीवी भी है, एनडीटीवी एंटी नेशनलिस्ट है। मैं पहली बता दूं, कोई भी और न्यूज चैनल इतनी घटिया जर्नलिज्म नहीं करता है, टाइम्स नाउ इसके बहुत क्लोज आ जाता है, वो जितना चीखता चिल्लाता है फालतू के इश्यूज पे, लेकिन और कोई न्यूज चैनल इसके क्लोज भी नहीं आता है। एनडीटीवी पे कभी भी आपने देखा हो कोई इतना चीखते हुए देखा है किसी को? सब आराम से बात करते हैं, ज्यादातर टाइम फैक्ट्स पे बात हो रही होती है, डेटा पे बात हो रही होती है। तो इतना ओपनली बायस और इतना ज्यादा प्रोपोगैंडिस्ट कोई और न्यूज चैनल नहीं है हमारे देश में, पूरी दुनिया में ही ऐसे बहुत गिने चुने चैनल्स हैं। तभी मैं कहता हूं जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है किम जोंग उन, वो भी इस चैनल को देखेगा ना बहुत इंप्रेस हो जाएगा, कहेगा मैं क्यों नहीं बना पाया ऐसा चैनल। क्योंकि अगर आपने नॉर्थ कोरिया का प्रोपोगैंडा टीवी देखा होगा तो उसमें भी इतने ही गंदे तरीके से बायस खबरें जरूर दिखाते हैं, लेकिन वो बहुत शांति से बात कर रहे होते हैं, उसमें इतने एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते कि जो व्यूअर्स है ना वो अट्रैक्ट हो जाए प्रोपोगैंडा से। इसलिए तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर हिंदुस्तानी तक रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी का सच पहुंचाइए। यहां पे क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं मुझे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। यूट्यूब पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां क्लिक करके। हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर, धन्यवाद।